नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज बात होगी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया पर। ये क्या है? ये भारत का विधि आयोग एक नोटिफिकेशन के द्वारा सरकार से यह एग्जिस्टेंस में आ चुका है। 1 सितंबर 2024 को ये जारी किया गया था नोटिफिकेशन। 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है। अब ये 2 तारीख से 2nd सितंबर से प्रभावी रूप से अपना काम करना शुरू कर दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि ना लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक गैर संवैधानिक कमीशन है, नॉन स्टैट्यूटरी कमीशन, अर्थात पार्लियामेंट में पारित किसी भी कानून के द्वारा ये एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, बल्कि इसके लिए एक गजट नोटिफिकेशन होता है जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस करता है और यह जो है एग्जिस्टेंस में आ जाता है। इसका कार्यकाल 3 ईयर्स का माना गया है, अर्थात 2nd सितंबर 2024 से 31st अगस्त 2027 तक। अगर हम सदस्यों की बात करें तो इसमें एक चेयरमैन होते हैं जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं रिटायर्ड, लीगल स्कॉलर्स सर्विंग जजेज भी हो सकते हैं। इसमें ये चेयरपर्सन और फुल टाइम चेयरपर्सन होते हैं। उसके अलावा इसमें 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, 5 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ लीगल अफेयर्स एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। इस तरह से इसकी नियुक्ति की जाती है। अब इसकी नियुक्ति करता कौन है, सवाल ये पैदा होना है। तो भारत के प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो बनी हुई है, यही जो है नियुक्ति करती है इसके सारे सदस्यों की, फुल टाइम मेंबर्स की और पार्ट टाइम मेंबर्स की। अब सवाल ये पैदा होता है कि करता क्या है। तो ये भारत सरकार को सुझाव देता है, डिपार्टमेंट ऑफ जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इसको सुझाव देता है। और इस बार का मुख्य बिंदु है यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में और राज्य और केंद्रों के चुनाव के एक साथ होने के संबंध में अपना विचार रखेगा। उम्मीद है कि आप लॉ कमीशन के विषय में सारी बातें जान गए होंगे। अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।